दिनों सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि फ्लाइट में बैठे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से एक महिला कुछ कह रही है, जिसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि कश्मीर के लोगों ने राहुल गांधी से कहा कि मोदी जी हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। हालांकि जब न्यूज ने वीडियो की पड़ताल की तो मामला कुछ और ही निकला। दरअसल वीडियो में दिख रही महिला राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद लोगों को हो रही परेशानियों के बारे में बता रही है। हम उनको देखने जाते हैं कि वो इतने छोटे छोटे बच्चे 10 साल जो टेंट में पढ़ते हैं घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो जाते अगर एक दूसरे को ढूंढने जाते हैं ना, एक दूसरे को ढूंढने जाते हैं ना, उनको पकड़ लेते हैं। हमारे मेरा भाई हार्ट पेशेंट है, वो अपने बच्चों को ढूंढ नहीं पाया, उसको 10 दिन घर वालों को नहीं दिखाया कि वो कहाँ है क्या है। हम हर तरीके से परेशान है, मैंने अपने बाजू को अपने सो जाया। I think for me it was the beginning. It is the beginning. You could communicate to us. Lots of others could communicate to us. This is how Trump is being taken. You know, we have to work together. See, working together, it's really, you know, I can. आपको बता दें कि ये वीडियो तब का है जब 12 विपक्षी नेताओं के साथ राहुल गांधी 24 अगस्त को कश्मीर की स्थिति जानने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया था। साथ ही उन्हें शाम की फ्लाइट से ही वापस दिल्ली भेज दिया गया था और उसी फ्लाइट में इस महिला ने राहुल गांधी के सामने अपना दर्द बयां किया था। इस तरह स्पष्ट है कि वायरल वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। न्यूज़ डेस्क।